Hello everyone, I am Trupti. Welcome to NPC, the channel where you can learn all the concepts of physics. And today's lecture is based on electrostatic potential due to a dipole. And in this topic, we will see the different, different cases like general case on the axis, on the

आइए सीखते हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन अ डाइपोल एज वी ऑल नो अबाउट द डाइपोल डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस सपोज ए एंड बी इज द डाइपोल ओके ए पर नेगेटिव चार्ज है बी पर पॉजिटिव चार्ज है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज टू ए फाइनाइट डिस्टेंस टू ए लिया ओके ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल सो ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू एके यहां तक क्लियर है नाउ सपोज अ पॉइंट पी आपने एक पॉइंट पी लिया एंड एट दट पॉइंट वी हैव टू कैल्कुलेट द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ओके मीन्स ड्यू टू अ डायपोल मीन्स डायपोल की वजह से आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ओके okay? यहाँ तक क्लियर है अब ये जो पॉइंट है पॉइंट पी इज फार फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल इज़ आर ठीक है मतलब आर डिस्टेंस से मिड डायपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर पॉइंट है एंड डायपोल से ये पॉइंट ठीटा एंगल पर रखा हुआ है ओके okay, ये क्या है टीटा एंगल पर ये पॉइंट रखा हुआ है means, इस मीन्स इसमें आपको टू वेरिएबल्स गिवन है आर एंड थीटा जनरल केस में हमेशा आर एंड थीटा लेते हैं ये क्यों लेते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका पी ये किसी भी पॉइंट पर हो सकता है अभी हमने यहाँ पर सपोज किया सपोज़ अगर पॉइंट पी यहाँ पर होता तो एंगल चेंज हो जाता डिस्टेंस चेंज हो जाता ओके okay, मीन्स किसी भी पॉइंट के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू दिस डायपोल तो वो हम देखते हैं एंड यस द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट एंड दैट पॉइंट वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरी वेरी हाई फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द डायपोल ओके मींस आर इज ग्रेटर देन टू ए जो डिस्टेंस डायपोल का है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है ठीक है मीन्स आर इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द डायपोल ओके यहां तक क्लियर है नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ओके okay, अभी आपको यहां पर पी पॉइंट है तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और दोनों का सम करना होगा ओके okay, तभी आपको क्या मिलेगा टोटल पोटेंशियल ठीक है सो वी प्लस एंड प्लस वी माइनस ठीक है वी प्लस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओके एंड वी माइनस इज द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ओके एंड यस दिस इज अ डायपोल सो डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट हम पी से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू वन ऑफ द चार्जेस एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ओके मीन्स टू ए मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल मल्टीप्लाई बाई वन ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल ठीक है दिस इज द डाइपोल मोमेंट एंड दिस क्वांटिटी विल बी वैक्टर सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ठीक है ये टू टू थिंग्स आपको क्लियर है नाउ हम चलते हैं पोटेंशियल की तरफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल के क्यू ठीक है प्लस लेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है हमेशा पोटेंशियल को विथ साइन आपको रखना है के क्यू बाई आर आर यहां से बी टू पी दैट इज आर वन ओके एंड प्लस यहां नेगेटिव है तो साइन आपको नेगेटिव लेना है के क्यू बाई आर टू ए पी का जो डिस्टेंस है दैट इज आर टू सो हमने यहाँ पर डिस्टेंस आर टू लिया ये जो फॉर्मूला है ये तो आपको पता ही है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर ठीक है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था ये फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इक्वेशंस में लिख लिया है कैलकुलेट कॉमन थिंग्स जो आ रही हैं उन्हें कॉमन कर दीजिए के क्यू आर द कॉमन ओके सो हियर वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू टेक एल्शियम के क्यू आर वन इंटू आर टू एल्शियम हुआ सो हियर आर टू माइनस आर वन ओके दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी नाउ देखिए कि पॉइंट पी अगर डायपोल से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो ओ पी ए पी एंड बी पी ये क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे ठीक है मीन्स जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी टू ओ बी एंड ए आर सेम ओके सेम मीन्स आर वन इज इक्वस टू आर टू इज इक्वल टू आर हम ऐसे लिख सकते हैं जब डिस्टेंस सेम हो OP, BP एंड एपी का डिस्टेंस सेम हो तभी आप इस तरह से आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं ठीक है तीनों पैरल है तो डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी और यस एंड यस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ दिस डाइपोल ठीक है तो इस, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी ज्यादा बड़ा है तो आर वन इज इक्व टू आर टू इज इक्वस टू आर अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई कि अगर आर टू माइनस आर वन को आर लें तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा बट आर टू माइनस आर वन के प्लेस पे आपको ये आर पुट नहीं करना है ठीक है इसके लिए एक और डिफरेंट थिंग हम यहां पर अप्लाई करेंगे ठीक है हमने क्या किया कि ए पी पर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी ठीक है बी सी परपेंडिकुलर टू ए पी ओके अब यहां से आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया ठीक है ए सी बी यहाँ कॉस्टिटा अगर अप्लाई करें तो कॉस्टा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस क्या हुआ अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो नाइन्टी डिग्री के सामने ये तो हाइपोटेनियस हुआ ठीक है अब एंगल सेम है डिस्टेंस ये पैरेलल है तो यहां पर भी एंगल थीटा हो जाएगा ठीक है अब बेस क्या होगा दिस इज ए सी सो ए सी बाई ए बी ओके नाउ ए सी इज द डिस्टेंस ऑफ आर टू माइनस आर वन ठीक है इतना डिस्टेंस आर टू है ये डिस्टेंस आर वन है तो आपका जो रिमेनिंग डिस्टेंस हुआ आर टू माइनस आर वन ओके सो ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए सी के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप आर टू माइनस आर वन और ए बी का डिस्टेंस है टू ए सो टू ए कॉस थीटा ओके आप आर टू माइनस आर वन की जो वैल्यू है वो यहां पर पुट करिए सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू ओके आर टू माइनस आर वन सो टू ए कॉस ठीक और आर वन इंटू आर टू तो आर वन एंड आर टू को अगर सिमिलर रखें तो हम आर वन एंड आर टू के प्लेस पे आर पुट कर सकते हैं सो हियर इज द आर स्क्वाओ के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्यू इंटू टू ए दिस दिस इज द डाइपल मोमेंट सो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओके पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो जो पोटेंशियल है वो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है थीटा पर ठीक है आर पर भी डिपेंड करती है बट मोस्टली डिपेंड किस पे करती है थीटा पर अगर आप डायपोल के एक्सेस पर कोई पॉइंट लें इस पॉइंट पी को यहां पर एक्सेस पर रख दें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा जीरो हो जाएगा ठीक है कॉस जीरो क्या होगा कॉस जीरो वन ठीक है तो यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वस टू के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ओके एंड इफ वी टॉक अबाउट द इक्वेटर तो इक्वेटर लाइन पर ये जो है ये इक्वेटर लाइन हुआ इक्वेटर पी को यहाँ पर इस पॉइंट पर लें तो क्या होगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ठीक है परपेंडिकुलर होगा सो so, कॉस 90 इज टू जीरो ओके सो वी पी जीरो पोटेंशियल एट द इक्वेटर लाइन इज जीरो तो ये टू डिफरेंट केसेस हमें जनरल केस के थ्रू मिल गए बट हम इसे इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं वो कैसे करते हैं लेट्स सी इसमें आपने क्या किया इस डेरिवेशन में सबसे पहले एक डायपोल लिया आपने और उस डायपोल की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाला ठीक है डाइप पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ओके वैल्यूज पुट की डेरिवेशन किया ठीक है एंड देन ओपी एपी एंड बीपी इन तीनों को पैरल किया पैरेलल किया तो डिस्टेंस सेम हो गई डिस्टेंस सेम हो गई तो आर वन एंड आर टू के प्लेस पे आपने आर पुट कर दिया दैट इज आर स्क्वेयर हुआ एंड आर टू माइनस आर वन ये जो डिस्टेंस है आर टू माइनस आर वन ये, ये हुआ, आपका टू ए कॉस्टीटा टू ए कॉस्टिटा की वैल्यू यहां पुट की एंड क्यू इंटू टू ए की वैल्यू पुट की सो के पी कॉसिटा अपॉन आर स्क्वे दट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द डायपोल ओके टू डिफरेंट केसेस देखिये थीटा जीरो पर कॉस वन हो जाता है सो पोटेंशियल एट द एक्सेस ऑफ द डायपोल इज वीपी इज इक्वल टू के पी बायर स्क्वेर ओके एंड द इक्वेटर लाइन के लिए सो so टीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी सो पोटेंशियल विल बी जीरो ठीक है लेट्स हैव अ लुक टू द इंडिविजुअल केसेस ओके फर्स्ट केस केस फर्स्ट में हम ऑन द एक्सेस एक्सेस पर आपने डायपोल के एक्सेस पर पॉइंट पी लिया है और उस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है ओके तो सपोज यू हैव अ डायपोल ओके डायपोल ए बी दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज ओके डायपोल का सेंटर पॉइंट ले लिया ओ डायपोल का डिस्टेंस ए ए टोटल डिस्टेंस हुआ टू ए एंड डाइपोल के सेंटर से आपने आर डिस्टेंस पर ठीक है कोई पॉइंट पी लिया है और उस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ओके ऑन द एक्सिस तो है बट डिस्टेंस कहां से वेरी करेगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोर ठीक है नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये हमने पढ़ते आए हैं कि पोटेंशियल जब भी किसी सिस्टम का या किन्नी भी चार्जेस का फाइंड करना है तो वहाँ पर विथ साइन आपको रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता है सो वी पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के क्यू क्यू लेंगे पॉजिटिव ओके अपॉन डिस्टेंस बी हो जाएगा और बी डिस्टेंस क्या होगा टोटल डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक आर है और ये डिस्टेंस ए है तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हुआ आर माइनस ओके एंड फॉर नेगेटिव इट इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए बिकॉज ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है एंड मिड पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस ए है ओके सो द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस विल बी आर प्लस ए क्लियर है नाउ जो भी कॉमन टर्म आ रहा है कॉमन ले लीजिए के क्यू कॉमन एंड हियर वन बाई आर माइनस ए माइनस वन बाई आर प्लस ए टैक एल्शियम सो एल्सियम विल बी आर माइनस ए एंड आर प्लस हियर रिमेनिंग टर्म आर प्लस ए एंड आर माइनस ए बस कैलकुलेशन ही करना है सिंपली कुछ नहीं करना है ब्रैकेट ओपन करेंगे आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए एंड हियर ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके सो आर एंड आर विल बी कैंसिल प्लस माइनस सो के क्यू इंटू टू ए एंड देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके डायपोल मोमेंट सो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके अब जनरली हम देखते हैं कि आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट विल बी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ डाईपोल सो जनरली जो भी आप कंसिडर करेंगे आर इज ग्रेटर देन ए सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज सिमिलर टू आर स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पे आप आर स्क्वायर ओनली पुट कर सकते हैं सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वस टू के पी बाई आर स्क्वायर ओके तो ये आपका फर्स्ट केस आ गया जो कि हमने लास्ट में प्रूफ किया है के पी बाई आर स्क्वायर एट द एक्सेस ओके अब केस नंबर टू देखते हैं केस नंबर टू में क्या होता है ऑन द इक्वेटर ओके okay, इक्वेटर पर आपको डाइपोल के इक्वेटर पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है ठीक है सो हियर अगेन विल बी डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ द डाइपोल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट इज ए ए एंड टोटल डिस्टेंस इज़ टू ओके सेंटर से आर डिस्टेंस पर ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ओके आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है एंड एट दट पॉइंट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज ड्यू टू सॉरी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ओके सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी एंड ए टू बी इज सेम बिकॉज दिस इज द नाइंटी डिग्री एंगल ओके एंड दिज टू ट्राइंगल आर सेम ओके सो द डिस्टेंस ऑफ ए पी इज ए स्क्वेयर प्लस एक्स आर स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वायर दोनों डिस्टेंसेस सेम हो गए ठीक है सेम है तो आप कोई भी वेरिएबल uh, ले सकते हैं या फिर डिस्टेंस ही पुट कर दें ओके सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स टू क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज सो के क्यू पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस क्या हो जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस के क्यू रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस विल बी कैंसिल बिकॉज इक्वल है सो वी पी इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल इज जीरो ओके सो टू केसेस हमने जनरल इक्वेशन में जनरल केस में भी स्टडी किया है और उसके थ्रू इंडिविजुअल केस में भी यहाँ हमने फाइंड कर लिया है अब नेक्स्ट केस में देखते हैं एट एनी पॉइंट केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री में हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू अ डाइपोल ओके एट एनी पॉइंट बट यहाँ पर आपको जो टू वेरिएबल्स हैं उनका यूज करना होगा आर एंड थीटा, जो हमने फर्स्ट में डेरिवेशन डिराइव किया वही है बट एक छोटा सा ट्रिक है इसमें वो आप समझिए ओके सपोज दिस इज अ डायपोल डायपोल तो लेना ही है आपको ओके दिस इज मिड पॉइंट दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस इज ए एंड टोटल डिस्टेंस विल बी टू एफ दट डायपोल ओके अब हम किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं अभी आपको एक्सिस और इक्वेटर पर नहीं किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे सपोज मान लो कि पी पॉइंट है ओके okay, और ये जो पॉइंट पी है ये पॉइंट ओ से या मिड पॉइंट से डायपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है एंड डायपोल से ये ठीटा एंगल क्रिएट करता है ओके okay, सो so, सिंपल अगर सोचे तो यहाँ पर ये जो डायपोल है डाइपोल मोमेंट जो p है वो टू कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहा है ठीक है थीटा के साथ में जो कंपोनेंट होता है वो होता है p कॉस थीटा। मीन्स तो डाइपोल डिवाइड हो गया टू कंपोनेंट्स में थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस होता है सो p cos थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो कॉम्पोनेंट होता है दैट इज पी साइन डीटा ओके अब ध्यान से देखिए आप तो आपको ऐसा फील होगा अब ये जो डाइपोल है हमने ये टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया फर्स्ट पी कॉस थीटा एंड सेकंड वन इज पी साइन थीटा अब ये जो पॉइंट पी है ये इस डाइपोल के लिए या पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सिस पर है और सेकेंड डायपोल कॉम्पोनेंट पी साइन थीटा के लिए यही पॉइंट इक्वेटर पर है ओके okay, तो आप जनरली जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पी थीटा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा ओके मींस टोटल जो पोटेंशियल होगा वो पी थीटा की वजह से भी होगा और पी थीटा की वजह से भी इस पॉइंट पर होगा ठीक है हमने क्या किया इस पोटेंश सॉरी इस टाइपपोल को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया पी थीटा पैरल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट पी थीटा ठीक है तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट पी इज पी थीटा की वजह से भी होगा और पी साइन थीटा की वजह से भी होगा ठीक है नाउ एक्सिस के लिए जो आपने इक्वेशन फाइंड किया पी अपॉन आर स्क्वायर बट यहाँ पी के प्लेस पे पी कॉस्ट थीटा लेना है आपको बस ये ध्यान रखना है पी के प्लेस पे क्या लेना है पोटेंशियल सॉरी पी के प्लेस पे आपको पी कॉस्ट थीटा पुट करना है एंड देन पी साइन थीटा इक्वेटर के लिए तो जीरो आपने पहले ही फाइंड कर लिया है ओके सो टोटल पोटेंश सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू के पी थीटा बाय आर स्क्वायर ओके और यही जनरल इक्वेशन हमने फाइंड किया था हमारे फर्स्ट डेरिवेशन के इस वीडियो में ओके के पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो आप ऐसे सिंपली भी फाइंड कर सकते हैं डाइपोल डायपोल मोमेंट को टू इक्वल कॉम्पोनेंट में डिवाइड करके भी आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ओके सो पोटेंशियल टू वी पी इज इक्वल टू के पी थीटा अपॉन आर ओके अब कॉस थीटा की वैल्यू आप थीटा जीरो पुट करें तो एक्सेस पर आ जाएगा और थीटा नाइंटी पुट करें तो इक्वाइटर पे आ जाएगा ठीक है इलेक्ट्रोसिटी

फॉर वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एंड वी फाइव फाइव चार्जेस है तो फाइव चार्जेस के पोटेंशियल को आपको ऐड करना है स्केलर प्रोडक्ट में ओके वी पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू फॉर वन फॉर फॉर फर्स्ट चार्ज के क्यू वन बाई आर वन ओके डिस्टेंस पी से क्यू वन का आर वन है सेकेंड के लिए माइनस है सो माइनस पूर्व कर दीजिए के क्यू टू बाई आर टू थर्ड के क्यू थ्री बाई आर थ्री प्लस के क्यू फोर बाई आर फोर एंड माइनस के क्यू फाइव बाई आर फोर ओके okay, डिफरेंट जितने भी चार्जेस हैं आपको सबको ऐड करना है विथ साइन एंड इस इक्वेशन को आप जनरल इक्वेशन के थ्रू इस तरह से भी लिख सकते हैं वी पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वस टू प्लस माइनस प्लस माइनस इसलिए क्योंकि चार्जेस पर डिपेंड है एंड समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन के क्यू आई बाई आर आई ओके आई के प्लेस पे वन टू थ्री एंड जो भी पुट करना है आपको कर सकते हैं ठीक है ओके okay, तो ये हुआ आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच